आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों लगातार बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे हुए हैं और उनकी लोकप्रियता जो है बिहार में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बता दें कि लाखों की तादाद में यहां भक्त आ रहे हैं। दरअसल इन सब के बीच में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर धीरेन्द्र शास्त्री ने करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बाबा और इसी के साथ ही ये भी कहा है कि बिहार में किस तरीके से लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग दीवाने हुए हैं बाबा की एक झलक पाने के लिए। बता दें कि जब से बिहार में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए हुए हैं अपने हनुमान कथा कह रहे हैं। बता दें कि 17 मई तक उनकी ये हनुमान कथा चलनी है। ऐसे में तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण भेजा गया था और इस बीच तेजस्वी यादव का भी रिप्लाई सामने आया है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। निमंत्रण तो बहुत जगह से आता है और जहां जनता की भलाई होगी वो वहीं पे जाएंगे, लेकिन देखने को मिल रहा है कि बिहार में किस कदर भीड़ लगातार उमड़ती हुई नजर आ रही है। जहां अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि मुश्किल से 2 से 3 लाख लोग ही होंगे जो कि बाबा के दरबार में आएंगे हनुमान कथा सुनने के लिए, लेकिन इस दौरान जो प्रशासन है उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। बता दें कि 10 लाख से भी ज्यादा की भीड़ लगातार बाबा के दर्शन के लिए जा रही है। वहां पर लोग जो है हनुमान कथा के दौरान भी मौजूद रहे और ऐसे में जहां बाबा का होटल है जहां पर वो रुके हुए हैं वहां पर भी तमाम लोग आ रहे हैं और घंटों इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी एक झलक मिल सके। इस बीच पप्पू यादव जो है लगातार बिहार में बाबा की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने बाबा को सीधे तौर पर महाजुमलेबाज करार दे दिया है। उनका कहना है कि क्यों ना एक साथ सभी की अर्जी लगा दो और 2-3 करोड़ लोगों की नौकरी आप दिला दो। ये पप्पू यादव का कहना है जिसपे तमाम जनता ने भी करारा तंज कसा है और लोगों का कहना है कि नेता तो बड़े बड़े वादे करती हैं कि वो युवाओं को रोजगार देगी, तो आखिर नेता और सांसद क्यों बनाया गया है आपको। बता दें कि पटना में बाबा बागेश्वर के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा बागेश्वर के भक्त हर हाल में उनके एक झलक पाने उनसे मिलने के लिए खींचे चले आ रहे हैं। बाबा का विरोध करने वाले गायब हैं, लेकिन सियासी जंग तेज हो चुकी है। पटना से बाबा बागेश्वर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोल दिया है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सोमवार को सीएम नीतीश पर जमकर तंज कसा। बता दें कि बागेश्वर धाम ने ट्वीट कर लिखा, बिहार पटना में काबा, बागेश्वर सरकार बाबा, पटना में हमारे सरकार ने तो गर्दा उड़ा कर रख दिया है। बागेश्वर धाम ने हमला करते हुए कहा कि जितनी भीड़ सीएम या नेताओं के पैसे दे देकर बस बुक करने में नहीं आती, उससे दुगनी तो यहां बाबा को देखने के लिए पागल हुई है। सनातन की ऐसी अलख बिरले ही मिलती है। बता दें कि पटना में हनुमंत कथा के मौके पर बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से हिंदुत्व की हुंकार भरी है। उन्होंने बताया कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बिहार के लोगों में हिंदुत्व की ज्वाला है, हमें तो लगता है कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की ज्वाला निकलेगी। बता दें कि बिहार में बाबा बागेश्वर से कथा सुनने के लिए लाखों लोग पंडाल में उमड़ रहे हैं। बाबा ने भक्तों के प्यार और उत्साह को देखते हुए बिहार में अगला दरबार 27 सितंबर को गया में लगाने का ऐलान भी कर दिया है। बाबा के दरबार में भक्तों के अंबार को देखते हुए सियासत भी खूब हो रही है। बाबा के विरोध की धमकी देने वाले तेज प्रताप जहां तक नदारद दिखे, तो वहीं तेजस्वी को बाबा के दरबार का न्योता भी मिला, लेकिन वो फिलहाल नहीं पहुंचे और उनका कहना है कि जहां पर जाने से जनता की भलाई होगी वो वहीं पर जाएंगे और ऐसे न्योते तो उन्हें मिलते रहते हैं। इस बीच तमाम जो जनता है अगर बिहार की उस पर नजर डाली जाए तो बिहार की जनता तो इतनी ज्यादा तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं जितनी भीड़ किसी नेता या फिर किसी सीएम के रैलियों में ना दिखाई देती हो। और इसको लेकर के ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कैसे कोई जो नेता है वो रैलियां करते हैं तो लोगों को बाकायदा भीड़ इकट्ठी करने के लिए कही जाती है और भीड़ इकट्ठी जबरदस्ती की जाती है। लेकिन बाबा बागेश्वर के अगर दरबार की बात करें तो यहाँ पर भक्त अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपनी श्रद्धा
से आ रहे हैं और ये भीड़ जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये भीड़ एक दिन आई और दूसरे दिन कम हो गई हो, ये भीड़ लगातार बढ़ रही है। बता दें कि सोमवार को दिव्य दरबार होने वाला था, लेकिन जो रविवार को कथा के दौरान भारी भीड़ देखने को मिली थी और इसमें काफी ज्यादा लोगों को भी समस्या हुई थी, भीड़ के चलते लोगों की तबीयत खराब हो रही थी, बेहोशी हो रही थी, लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाया गया था। ऐसे में बाबा ने खुद ये कहा था कि मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग घर पर ही टीवी पर ही हनुमत कथा का आनंद लें और ये कथा सुने। लेकिन इसके बावजूद तमाम जो लोग हैं वो खुद बाबा की झलक पाने के लिए, हनुमत कथा सुनने के लिए वहां पर आए थे। और सोमवार को जो दिव्य दरबार होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन बार बार लोगों ने इतना ज्यादा आग्रह किया कि एक बार फिर से इस दिव्य दरबार को सोमवार के दिन ही आयोजित किया गया था। और इसी के साथ ही लगातार लोगों की जो संख्या है वो बाबा के होटल तक भी पहुंच रही है और लंबी कतार में लोग खड़े हैं ताकि बाबा की एक झलक मिल जाए। इस बीच इतनी ज्यादा लोकप्रियता बिहार में देखने को मिल रही है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, कि इसको लेकर के तमाम नेता बौखलाए हुए हैं और इसमें से पप्पू यादव की बौखलाहट भी साफ झलक रही है। दरअसल उन्होंने ट्वीट कर लिखा, धीरेन्द्र शास्त्री सामूहिक अर्जी लगा सबकी समस्या समाधान करवा रहे हैं, तो 2 करोड़ लोगों की सामूहिक अर्जी लगा सबको एक साथ नौकरी दिलवा दें। एक जुमलेबाज को देश 2014 में देखा था, दूसरा 2023 में महाजुमलेबाज आया है। सीधे तौर पर पप्पू यादव ने बाबा को महाजुमलेबाज करार दे दिया है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार धीरेन्द्र शास्त्री को इस वजह से टारगेट किया गया क्योंकि लगातार वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते आए हैं। उनका कहना है कि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, सनातन को बढ़ाना, सनातन परंपरा का प्रचार करना और हिंदू राष्ट्र बनाना। ये जो उनकी मांग है वो हमेशा दोहराते रहे हैं, आरटीवी चैनल्स इंटरव्यू दिए हैं उन्होंने, उन इंटरव्यूज के दौरान भी ये बातें कही है और जहां वो कथा के लिए जाते हैं वहां भी वो इसी तरीके की बातें करते हुए नजर आते हैं। और इन बातों की वजह से उन तमाम विपक्षी नेताओं को बौखलाहट है जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के विरोध में एजेंडा चलाते हैं और वो लोग जो हैं वो इससे काफी ज्यादा बौखलाए नजर आते हैं। और कई बार देखने को मिला है कि कैसे धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंडी तक करार दिया गया है और उनका कहना है कि ये बस नाटक करते हैं, जुमलेबाज हैं और इस तरीके की बस पाखंड करते हैं, ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि लोगों को ये ठगने का काम करते हैं। वहीं जिस तरीके से लगातार बाबा की जो लोकप्रियता बढ़ रही है तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी लोकप्रियता तो किसी सीएम या फिर नेता को लेकर के भी बिहार के जनता में नहीं देखी गई है, तो ये कहीं ना कहीं अब वहां पर जाहिर तौर पर महागठबंधन के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है। और कहा यह भी जा रहा है कि सरकार जो है वो चाहती ही नहीं थी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां पर कथा सुनाए या फिर वहां पर आए, और इसीलिए शायद प्रशासन ने पूरा व्यवस्था नहीं किया था जिसकी वजह से उनके दरबार में आए तमाम भक्तों को इसकी वजह से भारी समस्या झेलनी पड़ी। बता दें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने यह आरोप लगाया है नीतीश सरकार पर और उनका कहना है कि नीतीश सरकार चाहती ही नहीं थी कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए और अपनी कथा कहें। तो वहीं जैसे ही ये ऐलान हुआ था कि धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ सकते हैं और अपनी हनुमत कथा कह सकते हैं, तो इस दौरान तेजस्वी यादव के जो भाई हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने बड़ा हमला बोला था धीरेन्द्र शास्त्री पर और उन्हें ये कहा था कि वह हिंदू मुसलमान करवाने यहाँ पर लोगों को लड़वाने आएंगे तो उनका विरोध करेंगे, जिसके जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने बकायदा शालीनता से ये कहा था कि वो यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू हिंदू करने आए हैं। तो ये लगातार वार पलटवार का सिलसिला भी बिहार की सियासत में देखने को मिला। और जैसे ही बिहार में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुँचते हैं तो ये जो सियासत है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। लगातार ये जो खींचतान की स्थिति है वो बिहार में मची हुई है। एक ऐसा वर्ग है जो कि धीरेन्द्र शास्त्री के आने से, उनके दिव्य दरबार लगाने से, कथा कहने से बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहा है। और ये जो सिलसिला है वो बाकायदा भीड़ में देखी जा सकती है कि कैसे लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग है जो कि लगातार इस बात का विरोध कर रहा है और उनका कहना यह है कि ऐसे बाबा तो आते रहते हैं, कथा कहते रहते हैं और लोगों को ठगते रहते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।